मैं इस परिवार में आया हूँ जो कि दामोदर जी का जन्मदिन है, और यहाँ पे अनेक लोग जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्री से लोग आयल बढ़ा, और दामोदर जी की तारीफ जितनी की जाए उतना कम है, इसलिए क्योंकि वो बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अभी तक मैं अभागा रहा, उनके म्यूजिक में कभी काम नहीं कर पाया हूँ। बेशक मेरी आने वाली फिल्म में, और मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि वो हमारे लिए म्यूजिक करें और मैं उनके लिए थिरकूँ और नाचूँ और गाऊँ। बेशक इसी तरह मैं दामोदर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और रउआ लोग से हम जरूर कहें कि ये आशीर्वाद दें और दामोदर भैया ऐसे ही जिए और लहलहात रहें और झंडा फहरावत रहें। जय हो, जय हो, हर हर महादेव। पार्टी हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पूरा हमारा परिवार है और परिवार में इंजॉयमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता है। बोल के, देख के, कह के, हर सारी चीज़ों को इंजॉयमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप आवाज़ पीछे सुनाई दे रहा है, कोई गा के कर रहा है, कोई नाच के कर रहा है, कोई लहलहा के कर रहा है। तो मैं सभी को कहूँगा कि ऐसे ही जन्मदिन पे ढेर सारी खुशियों को अपने आप में और लोगों तक बांटें, और साथ में एक जन्मदिन के साथ में प्रवाह करें, क्योंकि हर साल नई नई खुशियाँ आएँ और तरंगे आएँ और नई नई काम की और विकास करते रहें। जी मेरी अपकमिंग फिल्में 3-4 है, जिसमें अभी लेटेस्ट हमने कंप्लीट की है फिल्म टकराव, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक्शन जो रउआ लोगन के पसंद बा, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। उसमें छोटे बाबा ने म्यूजिक दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म हुई है, वो रिलीज पे है। उसके बाद मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मनवा नेखे मानक, और अभी मैंने कल ही साइन की है मैं और रवि किशन जी, हर हर महादेव जिसका टाइटल है, और 27 को उसका मुहूर्त है तुलिप ग्रांट नोएडा में, और बहुत ही विशाल पैमाने पे हो रहा है। तो सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और शायद रहेगा। तो एक बार मैं दामोदर राव जी के लिए बोलूँगा, हर हर महादेव। जय हो।